दोस्तों, हम सब ने पुरानी कथाओं में अमृत के बारे में सुना है। इन कथाओं कहानियों के अनुसार जिसको अमृत मिल जाता है वो अमर हो जाता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता, सदा जवान रहता है। लेकिन आज के युग में अमृत तो नहीं मिलेगा, लेकिन अमृत के समान एक चीज़ है, एक जड़ी बूटी है जिसको हम अमृत बेल या गिलोय कहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमृत बेल के बारे में। तो दोस्तों, मैं वीर जगदेव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है GKWC यानी गेट नॉलेज विदाउट कॉलेज। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम गिलोय के बेनिफिट्स के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि आप घर में कटिंग से गिलोय को कैसे लगा सकते हैं और बीज से कैसे लगा देते हैं। तो दोस्तों, जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारी गिलोय की बेल है। इसको लास्ट ईयर मैंने कटिंग से लगाया था और बारिश के सीज़न में इसने अच्छा ग्रो किया और आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कटिंग से कैसे लगाते हैं और जो इसका बीज है वो कैसा होता है। तो दोस्तों, गिलोय एक मेंटेनेंस फ्री प्लांट है। इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी पानी दे सकते हैं। और आप देख रहे हैं नई ब्रांचेस भी निकली हुई हैं। अभी मैं आपको इसका बीज दिखाता हूँ। जो आपको ये रेड कलर का फल दिख रहा है, ये इसका बीज है। ये देखिए, मैं अभी इसको तोड़ता हूँ। देखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको देखिए, ये मैंने तोड़ लिया है। ये आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिए। अब दोस्तों, इसके अंदर से एक छोटा सा बीज निकलेगा, उसको हम सावधानी से निकाल लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक जेली होती है, उसको हमें निकालना पड़ता है। ये देखिए, ये जेली है। इस जेली में से हम इस बीज को निकाल लेंगे और अच्छी तरह साफ कर लेंगे। इसके बाद इस बीज को हम पानी से साफ करने के बाद सुखा लेंगे। देखिए, इसको मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये है हमारा गिलोय का बीज। दोस्तों, इस बीज के साथ साथ हम देखेंगे कटिंग से भी गिलोय को घर में आप कैसे उगा सकते हैं। तो ये बीज है जो मैंने सुखा लिया है, और ये एक गिलोय की कटिंग है जो लगभग मैंने 1 फुट काट ली थी। इसको आप नज़दीक से देखिए। ये देखिए, इसमें एक गांठ ये है और एक गांठ ये है। अब जो इनमें से एक गांठ है, उसको हम मिट्टी के अंदर लगा देंगे, और जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हमें कवर करना पड़ेगा। किस चीज़ से कवर करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो अब इस पूरी प्रोसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें कंटेनर। ये देखिए, छोटा सा कंटेनर है। किसी भी कंटेनर में जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं, सबसे पहले उसमें ड्रेन होल करना ज़रूरी है। तो इस कंटेनर में हमने अच्छी तरह ड्रेन होल्स कर लिए हैं। और दोस्तों, एक ये छोटा सा एक बोतल का ढक्कन है, इसमें मैं इस बीज को ग्रो करूँगा। इसमें एक छोटा सा ड्रेन होल मैंने कर लिया है। तो दोस्तों, गिलोय की सीड को ग्रो करने के लिए मैं यूज़ करूँगा कोकोपीट। ये देखिए, 100% कोकोपीट यूज़ करूँगा, कोई सोयल मिक्सचर नहीं, कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं। तो अब ये जो गिलोय का सीड है, उसको इस छोटे से ढक्कन में मैं लगा देता हूँ। हल्का सा प्रेस करना है और ज़्यादा गहराई में भी इस बीज को नहीं डालना है। अब दोस्तों, कटिंग को हम लगाएंगे। उसके लिए इस कंटेनर में मैं कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर डाल देता हूँ। अब दोस्तों, जो ये कटिंग है, इसके ऊपर वाले हिस्से को हम कवर करेंगे। मैं इसको वैक्स यानी मोम से कवर करूँगा। ये देखिए, ये मैंने कवर कर दिया है। इसके लिए इस मोमबत्ती को जलाकर जो वैक्स की ड्रॉप्स है, उसको इस कटिंग के ऊपर वाले हिस्से पे मैंने डाल दिया था। अब जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको मैं सावधानी से इस पॉट में लगा देता हूँ। जो नीचे वाली गांठ है दोस्तों, वो इसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जो इसकी रूट्स हैं वो यहीं से निकलेंगे।
तो दोस्तों ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब जब जो हम उसका रिजल्ट्स है वो देखेंगे हमें कितने दिन में मिलता है। तो दोस्तों आज इसके 8 दिन पूरे हो चुके हैं। ये देखिए जो मैंने कटिंग लगाई थी इसमें से बिल्कुल छोटी छोटी हरी पत्तियाँ निकलनी शुरू हो चुकी है, ये देखिए। और जो हमने सीड लगाया था इसमें अभी जर्मिनेशन नहीं हुई है, ये आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए अभी इसमें से कोई सी टाइप की कोई जर्मिनेशन नहीं हुई है, तो हमारी कटिंग में रिजल्ट हमें थोड़ा जल्दी मिले हैं। ये देखिए, तो ये दोस्तों आज इसका 11वां दिन है। तो आज मैं दिखाता हूँ कितनी ग्रोथ हुई है। जो इसका सीड लगाया था दोस्तों उसमें भी हमें हल्के फुल्की एक कली नज़र आ रही है, ये देखिए। इसको मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा है बिल्कुल छोटी सी एक कली है जो अभी निकलना शुरू हुई है। और ये हमारी जो कटिंग है वो लगाई थी, देखिए इसमें भी जो पत्ती निकली है उसका साइज पहले से बढ़ गया है। तो दोस्तों इन दोनों को इकट्ठा लगाने से ये पता चला है कि जो कटिंग है वो बीज के मुकाबले थोड़ा जल्दी ग्रो करती है, लेकिन अभी हम आगे के रिजल्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों आप भी इस चमत्कारी पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं, ये बहुत सी बीमारियों में काम आता है। कटिंग लगाते समय ये सावधानी रखें कि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको किसी भी चीज़ से कवर जरूर करें। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं 16 दिन बाद, ये देखिए इस गांठ में से एक पत्ती और निकल आई है, और जो हमारा सीड है वो भी अब कोकोपीट से बाहर आ गया है। तो ये 16 दिन की ग्रोथ है दोस्तों। अब आ गए हैं हम दोस्तों 20 दिन बाद, ये देखिए अब जो कटिंग की ग्रोथ है वो लगभग पहले जितनी ही लग रही है, लेकिन जो पत्तियां हैं वो खुल गई हैं, और जो सीड है उसने अब थोड़ा तेज़ी से ग्रो किया है। ये आप देख रहे हैं जो सीड था हमने लगाया था ये वो है। अब हम आ गए हैं 23 दिन बाद, ये देखिए ये इसकी 23 दिन की ग्रोथ है, नज़दीक से देखिए। जो कटिंग है वो ऐसा लग रहा है दोस्तों एक जगह रुक गई है, ये देखिए इसमें अभी दो ही पत्तियां निकली हैं और बिल्कुल मामूली सा जो पत्तियों का साइज है वो बड़ा है, ये आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए दो पत्तियां हैं जो इस गांठ से निकली हैं। अब देखते हैं सीड के रिजल्ट, ये देखिए इसको मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, इसमें से अब दूसरी पत्ती भी निकल गई है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि सीड थोड़ा जल्दी ग्रो कर रहा है अगर हम मुकाबला करें कटिंग से। तो दोस्तों हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप सीड से भी घर में किलोए को लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये एक मेंटेनेंस फ्री पौधा है दोस्तों, आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। तो ये दोस्तों अब हम आ गए हैं 26 दिन बाद, ये देखिए ये इसका 26 दिन का रिजल्ट है, बीज ने थोड़ी तेज़ी और दिखाई है, ये आप देख रहे हैं। इसमें जब भी आप दोस्तों वाटरिंग करें स्प्रे के थ्रू करें, क्योंकि जो कोकोपीट है वो हल्का मीडिया है, अगर आप ज़्यादा तेज़ी से पानी देंगे तो ये बाहर आ जाएगा, जिससे प्लांट की जो रूट्स हैं वो मर जाएंगी और प्लांट अच्छा ग्रो नहीं करेगा। तो रिजल्ट्स आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, गिलोय को त्रिदोष नाशक भी कहते हैं। त्रिदोष नाशक दोस्तों इसको इसलिए कहते हैं कि जो हमारे शरीर में तीन तरह के रोग पाए जाते हैं, वात पित्त और कफ, ये तीनों बीमारियों में काम आता है, ये तीनों तरह की बीमारियों को ठीक करता है। तो इसलिए दोस्तों आप भी अपने घर में एक
गिलोय की बेल जरूर लगाएं। पूरा प्रोसीजर आपने देख लिया है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कितने फ़ायदे हैं गिलोय के। सबसे जो मेन फ़ायदा आज के कोरोना के टाइम में, इम्यूनिटी। जी हाँ दोस्तों, गिलोय आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गिलोय कितनी और अधिक बीमारियों को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है आपकी। अगर आपका पेट साफ नहीं है तब भी गिलोय का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तब भी आपको गिलोय का सेवन करना चाहिए। कफ है, कोल्ड है, अस्थमा है, आपकी आंखें ठीक नहीं है तब भी आपको गिलोय का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अर्थराइटिस, जो जोड़ों का दर्द होता है, इसमें भी गिलोय का सेवन करना ज़रूरी है, जिससे आपकी ये बीमारी भी ठीक हो जाती है। अगर आपके लीवर में स्वेलिंग है तब भी आपको गिलोय का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी सूजन को कम करता है। इसके अलावा गिलोय का सेवन आपके पाइल्स जैसे रोग को ठीक करता है, पेशाब में रुकावट है उसको ठीक करता है। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है तब तो आपको गिलोय का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपके एक्ने पिंपल्स को तो बड़ी आसानी से ठीक कर देता है। तो दोस्तों, आपने देख लिया है कि गिलोय के कितने सारे फ़ायदे हैं, आपको इसको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।